खबर सारण बिहार से, जहां गौरव माना जाने वाला बढ़ोरा की वह चार फैक्ट्रियां राजनीति के हाथे ऐसी चढ़ी कि उसकी एक एक इंट आज लगातार जमीन दोस होते जा रही है। इसको बचाने का किसी राजनेता और आम लोगों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। आज सिर्फ किताब के पन्नों पर, अखबारों की सुर्खियों में और सोशल मीडिया पर उसकी गाथाएं सुनने को मिल गई है। एक एक ईंट अपनी लाचारी और बेबसी पर रो रही है। कितने मौसम बदले लेकिन नहीं बदला मढ़ौरा की किस्मत। सरकारें बदली, विधायक बदले, लोग बदले, नहीं बदला मढ़ौरा का औद्योगिक क्षेत्र की किस्मत, जहां कल कारखाने से लेकर कई लोगों के रोजगार और घरों के चूल्हे उस पर आधारित थी। भारत के प्रधानमंत्री पूर्व में चुनाव के उस समय चीनी मिल को लेकर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन वह भी अधर में रह गया। बंद पड़ी एवं जर्जर स्थिति में वह चीनी मिल दूर से निहारता है और कहता है, कोई तो मुझे मेरा उद्धार करे, क्या मैं किताबों के पन्ने और अखबारों में रह जाऊंगा। मेरी ईंट ईंट तक, मेरे कलपुर्जे सब कुछ बेच दिया, नहीं बिका तो सिर्फ मेरा नाम। आज भी मुझे मढ़ौरा चीनी मिल के नाम से पहचाना जाता है। मेरी तो अब किस्मत बन गई है चुनावी मुद्दा बने रहना चीनी मिल चर्जर स्थिति पर। हमारे छपरा संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो दंग रह गए। तो चलते हैं छपरा के मढ़ौरा चीनी मिल पर। का गौरव माना जाता था चीनी मिल को, या अभी मैं चीनी मिल के प्रांगण में खड़ा हूँ और यह अब सिर्फ किताबों में रह गया है और नहीं तो दादा दादी की कहानियों में रह गया है। इसलिए यह बात कहना चाहता हूँ क्योंकि अब जो बच्चे हैं अपने दादा दादी से, अपने पापा से सारण मिल और मोर्टेन मिल के मिठास, वह जो मोर्टेन चॉकलेट आया करता था उसके मिठास के बारे में और सारण इंजीनियरिंग के बारे में उनसे ही कहानियों के रूप में सिर्फ सुनते हैं। आज सारण का जो गौरव कहा जाता था वह किस तरह गौरव इस जमीन दोष पड़ा हुआ है, साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से आज यह स्थिति बन पड़ी है, जहां रोजगार की कई बातें और कई बातें हो रही हैं। पूर्व में चुनाव में प्रधानमंत्री भी इसी सारण के गौरव इसी मैदान में आए थे और कहे थे कि यह मिल जो है फिर एक बार चालू होगा और फिर एक बार यहां के लोगों को वह मिठास नज़र आएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। हर बार यह राजनीतिक की भेंट चढ़ता रहा और चुनावी मुद्दा हर बार जो है सारण का मिल बनता रहा। लगभग कई किसानों के इसमें कर्ज आज भी जो है, किसानों मजदूरों के कर्ज आज भी बाकी है, जो कि इंतजार में है सरकार की। हर बार सरकारें बदलती हैं, नियमावली बदलती है और किसान उसी समय मायूस इंतजार करता है कि मेरा बकाया हुआ, मजदूरों का बकाया हुआ पैसा कब मिलेगा। रही बात मजदूरों की, और यहां से सबसे बड़ी चीज़ है कि पलायन भी काफ़ी तेज़ी से हुआ। लगभग अमनौर, मढ़ौरा, तरैया, मशरक के कई लोग जो है इसमें हर रूप में जुड़े हुए थे, कोई मजदूर के रूप में तो कोई बड़ा बाबू के रूप में, हर तरह अपनी कार्यशैली, अपने कार्यों के बदौलत अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन यह चीनी मिल जब से गया लोगों की आशें चली गई। आश चली गई इसलिए कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों का इस पर उम्मीद जुड़ा हुआ था और सबसे बड़ी बात थी कि आसपास के क्षेत्र से जो किसान जो गन्ना का उत्पादन करते थे, साफ तौर से आपको दिखाया जाएगा तस्वीरों में ही गन्ना की खेती साफ तौर से बंद हो गई। आइए अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से स्थिति यह है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ईंट से ही जो है कि पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है, साफ तौर से देख सकते हैं वही स्थिति है। और यह स्थिति हमारा गौरव है, इसे हम गौरव के रूप में दिखा रहे हैं, यह गौरव बचा हुआ है। सारण के लोग अब तो थोड़ा राजनीतिक मुद्दा से हटो, ये है गौरव, ये नेताओं का गौरव है जिसमें हर साल चुनाव में आया जाता है और मढ़ौरा का या चीनी मिल का मुद्दा को गरमाया जाता है और राजनीति की जाती है, वोट बैंक की जाती है और राजनीति की जाती है, वोट बैंक की जाती है। यहाँ के सांसद विधायक, काफ़ी संख्या में विधायक और सांसद जीत के जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। जो पुराना स्थिति था वह भी है, ईंट से ईंट चोरों ने चुरा लिया हर चीज़, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बचा है तो इसकी यादें और ये खंडहर में तब्दील होता या सारण मिल, क्या करें। अब खबरें बनाने के एवज में और इसका दूसरा हम लोग कर भी क्या सकते हैं, ना हम लोग के पास धन है ना हुआ ऐसा संगठन है जो इसे खड़ा कर सके। सिर्फ खबरों में तब्दील किया जा सकता है और खबर जो है कवरेज के माध्यम से लोगों तक दिखाया जाएगा कि चीनी मिल की यह स्थिति है या लोहे की अब स्थिति, अभी अब अंतिम
समय में है, वक्त में जाता हुआ। कई नेताओं से इस मुद्दाओं पर चर्चाएं भी हुई, हर बार नए नए बात की जाती है कि चीनी मिल को खुलवाया जाएगा, या लगता है कि ऊपर किसी मशीन का यह पार्ट्स है और पार्ट्स भी पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है और यह कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ चुनावी मुद्दा, नेताओं के लिए वोट बैंक की राजनीति, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। यहाँ के युवा भी, कुछ युवा द्वारा पैदल मार्च पटना जाने की बात की गई है, लगभग 10-15 दिन से वह वहाँ पे हड़ताल में है, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठक में हैं। क्या निर्णय निकलेगा यह तो नहीं बता सकता हूँ। उसमें भी माहौल गरमाया कि भाई वह पैदल नहीं गए, क्या हकीकत है क्या नहीं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे तो बस इस सारण मिल को कोई ऐसा इंसान है जो अपने चुनावी मुद्दे में रखे और इसे चालू करे, या हर बार सारण और मोहरा के लोगों के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा, क्या कहेंगे। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और चुनावी मुद्दे पर अपने पाठकों तक परोसने का काम यहाँ के पत्रकारों द्वारा भी किया गया है, क्योंकि उन्हें भी इससे सारण के धरोहर मढ़ौरा चीनी मिल, मोटन चीनी मिल और सारण इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी जानकारी है। तो आइए सीधा रुख करते हैं संजीव जी और मनोकामना जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है और यह सारण मिल जो है, सारण मोटन मिल चीनी मिल का कार्य आज तक अधर में क्यों पड़ा हुआ है और चुनावी मुद्दा ही सिर्फ बन के क्यों रह गया। आइए कुछ किसानों से भी बात करेंगे। वैसे किसान जो इनके जो परिवार के लोग भी हैं वह गन्ना की खेती का उत्पादन किए और कहां तक अगर यह चीनी मिल खुलता है तो क्या इनके परिवार को भी लाभ मिलेगा, या इतिहास के बारे में यह भी कुछ बताएंगे। आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार वर्मा है जी। आप लोग के परिवार से, चाहे आप लोगों के परिवार से किसानी किए होंगे, गन्ना की खेती किए होंगे? पहले बहुत ज़्यादा किसान मैंने ईख का ईख बो रहे थे या ईख को यहाँ पहुँचा रहे थे, जिससे सभी किसानों को फायदा होती थी, हम लोगों को भी फायदा हुआ करता था और यहाँ के इर्द गिर्द के सभी गांव जवार पटाहा सिलौरी अवारी असैया इसके अगल बगल और तरैया है, मसरक है आपका, तरै अमनौर है, इधर परसा है, उधर घरखा है, पटेढ़ा है, सब लोग यहाँ के किसान खुशहाल रहते थे। किसान खुशहाल के चलते चलते इसके बाद व्यवसायी भी यहाँ पर बहुत पहले से व्यवसायी वर्ग के लोग हाँ, काफी समृद्ध थे। हाँ थे, और इससे फायदा होता था उन लोगों को, ऐसा ही रसीद बेच दिया जाता था, उसके बाद रसीद को दुकान पर रख करके उससे माल उठाया जाता था, अनाज उठाया जाता था, कपड़ा उठाया जाता था, सब किसान इससे खुशहाल रहते थे। अभी अभी आपके के अनुसार या स्थिति अभी यहाँ की क्या है? यहाँ की स्थिति यही है कि पूरा मृत प्राय हो गया है। यहाँ के कुछ लोग चाह रहे हैं कि फैक्ट्री चालू हो जाए, चालू हो जाने के बाद यहाँ के फिर किसानों में आ जाएगी, फिर से खुशी की लहर, खुशी की लहर आ जाएगी और सब लोग खुशहाल रहेंगे। अभी लगातार बिहार में चुनावी मुद्दा या सारण का मिल साफ तौर से दिखा सकते हैं, यही मिल है जहां प्रधानमंत्री ने भी बात रखी थी कि यह मिल चालू करा देंगे, मोटन मिल जहां से लोगों को मिठास दिया जाएगा, सारण इंजीनियरिंग जहां से छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो है घरों घर तक गई थी, सारा लुप्त हो गया, लोग बेचैन हैं, सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। छपरा के कई विधायक अभी बन चुके हैं, सांसद को लगातार इसकी चोट दिया जाता है लोगों के द्वारा, क्या हो रहा है, कान आदमी का बहरा हो गया है। इसकी खबर को भी प्रकाशित किए हैं, इसलिए साफ तौर से इनसे भी बात करेंगे। संजीव जी थोड़ा बेहतर चलेगा, चलिए संजीव जी, काफी आप सारण मिल को लेकर और ये चीनी मिल को लेकर काफी आपने कवरेज किया है, प्रधानमंत्री जब आए थे मैदान में उस समय भी आपने कवरेज किया है, क्या लगता है इस चीनी मिल के बारे में लोग जो कह रहे हैं कि चीनी मिल चालू हो जाएगा, क्या यह चुनावी मुद्दा ही बनकर रह गया? देखिए, सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं से अस्पष्ट नहीं दिखती है। सरकार ये कहती है कि विकास का मुद्दा सड़क है, बिजली है, पानी है, तो क्या सड़क बिजली पानी के अतिरिक्त विकास का मुद्दा
फैक्ट्रियां नहीं है। लोगों को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। तो क्यों रोजगार के मामले में पिछड़ता चला गया बिहार और अपना सारण जिला? सवाल ये बनता है कि जिन लोगों को लोगों ने जिताकर भेजा है, सांसद बनाकर भेजा, विधायक बना के भेजा, बाद में वो मंत्री बने, क्या उनका दायित्व ये नहीं बनता था कि लोगों के रोजगार के मुद्दे पर वो पहल करें और बंद चीनी फैक्ट्रियों को या बंद अन्य फैक्ट्रियों को चालू कराएं? लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये माना जाता है कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र है। वोट के लिए सड़कें बनेंगी, वोट के लिए पानी दिया जाएगा, वोट के लिए बिजली दिया जाएगा, तो क्या वोट के लिए रोजगार नहीं दिया जाएगा? जरूरी है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, क्योंकि रोजगार से लोगों का सीधा जुड़ाव होता है। सारण की बात करें तो सारण में कितने जनप्रतिनिधि हैं, मैं गिनती कराता हूं आपको। माननीय सांसद, माननीय विधायक जो अब बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, माननीय MLC, इस कोटे से 3 MLC हैं सारण से, 5 जनप्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। 1 जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि सच्चिदानंद राय जी MLC हैं, इन्होंने भी कहा था कि चीनी मिल को वो चलाएंगे। क्या केवल कहना और उसे भुला देना यही राजनीति बच गया है? और अगर यही राजनीति है तो लोगों को ये समझना चाहिए कि राजनीतिक स्तर पर वो ठगे जा रहे हैं और लोग उन्हें ठगने का प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से बेहतरी के लिए, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए सभी को ये समझना होगा कि वो अपने हक के लिए आगे आए और आवाज बुलंद करें। निश्चित रूप से अगर वो आवाज करती थी मोटन की, वह मिठास सारण से लुप्त हो गई, सिर्फ नाम मात्र रह गया, क्या कहेंगे? सारण की मिठास सिर्फ मोटन से लुप्त नहीं हुई है, यहाँ के लोगों के जहन से, घर से भी लुप्त हो गई है। यहाँ रोजगार ही नहीं है और रोजगार के अभाव में लोग प्रवासी हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी तरह अपने अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कर पा रहे हैं। किसान एकदम से तबाह हो चुके हैं, केवल चावल गेहूं उपजाकर वो किसी तरह अपने और अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण कर पा रहे हैं, ना अच्छा अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं, ना बच्चों को अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, ना संपन्नता का सुख अपने परिवार को दे पा रहे हैं। तो मिठास केवल मोटन से ही खत्म नहीं हुआ, मोटन चॉकलेट से ही लोगों का मिठास खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ सारी फैक्ट्रियों के बंद होने से लोगों के खुशियों का भी मिठास समाप्त हो गया है। सारण मिल, इंजीनियरिंग मिल, जिससे यहाँ के आसपास के लेथ वर्कर या लेथ के जो मालिक थे उनका भी रोजगार चलता था, उससे जो जुड़े हुए थे मजदूर उनका भी रोजगार चलता था, वह भी छिन गया। सारण इंजीनियरिंग को लेके एक दुर्भाग्य रहा, पता नहीं क्या स्थितियां आई, किस तरह की राजनीति की गई कि यह फैक्ट्री लिक्विडेट हो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। यह फैक्ट्री चीनी मिल की लीज की गई जमीन पर चलती थी और निश्चित रूप से चीनी मिल की लीज की जमीन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिक्विडेट किया, किन स्थितियों में किया, किन परिस्थितियों में किया, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सारण इंजीनियरिंग केवल सारण का नहीं, भारत का गौरव था, और गौरव इसलिए था क्योंकि इसकी रोलर मशीनें भारत से निकलकर विदेशों तक भी निर्यात होती थी। तो इसका बंद होना केवल मढ़ौरा छपड़ा का दुर्भाग्य नहीं, भारत का दुर्भाग्य है। अभी मैं बात कर रहा था संजीव जी से, जो कि यहाँ के चीनी मिल से संबंधित खबरों को काफ़ी प्रमुखता से अपने अखबारों में भी दिखाने का प्रयास किए हैं, और यहाँ मिल की जो भी गतिविधियाँ हैं वर्तमान परिवेश में भी इनका हमेशा से ध्यान रहता है कि एक नया कवरेज दिया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका है कि यहाँ के कुछ लोगों द्वारा, कुछ युवाओं द्वारा एक जन आंदोलन के रूप में पटना तक इस मिल को चालू कराने के लिए गए हैं, क्या सच्चाई है? हालांकि सुना जा रहा है कि 15 से 16 दिन तक वह लगातार वहाँ डटे हुए हैं, फिर एक बार यही कहेंगे कि क्या यह सिर्फ चुनावी मुद्दा ही रहेगा या सारण के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर रोजगार के लिए आएंगे, जैसे नीतीश कुमार और वर्तमान में अभी तेजस्वी यादव का कहना है कि 10 नहीं 20 लाख रोजगार देंगे, तो रोजगार का क्या पैमाना